भाई ने अपग्रेड कर लिया, फाइनली मैंने भी ले लिया। चेक करें मेरे भाई का नया आईफोन का कवर लिया मैंने नया। व्हाट्स अप परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है भाई सबके, ठीक ठाक है आप लोग? यार भाई आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी चल रही है। तो भाई प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दे, क्योंकि आज भाई सारे कमेंट्स पढ़ेगा और रिप्लाई भी करेगा। तो आज का सीन ये है कि बिलाल भाई जो है मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं, मेरे नीचे नहीं बिल्डिंग के नीचे। तो अभी हम निकलने वाले हैं दुबई की गलियों में एक दफा फिर ऑफकोर्स आवारागर्दी करने, अय्याशी करने, और आपको भी साथ साथ हम अय्याशी करवाएंगे। लेकिन आज हम मस्टैंग पे नहीं सैर करेंगे, आज बिलाल भाई जो है अपनी दूसरी गाड़ी लेके आए हैं। कौन सी गाड़ी है पहले आपको वो दिखाता हूं। वाह जी क्या बात है, क्या बात है, यह जी बिलाल भाई की निसान पेट्रोल। माशाल्लाह लगता कारोबार अच्छा चल रहा है भाई का। अरे गाइस तो हम अपनी निसान पेट्रोल के अंदर बैठ चुके हैं भाई, क्या गाड़ी है जेंगो भाई, V8 इंजन है, ठीक है, फुल स्पेशियस माहौल है, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ चकाचक है। मुझे तो मजा आ गया भाई, कहां से निकाल रहे तू इतनी गाड़ियां, क्या करता क्या तू? ये कार बहुत लकी है मेरे लिए। अच्छा, और मुझे 4 साल हो गए इसको मैंने रखा हुआ है। नाइस यार, और मतलब इतनी रिलायबल कार है कि कभी मुझे मसला नहीं हुआ ड्राइव में, कंफर्ट लेवल इसका नहीं लग रहा है, बहुत मजबूत गाड़ी लग रही है। फ्रिज भी है, इतनी जेंगो गाड़ी हमारे पास, तो आज क्या कर रहे हैं कुछ, मैं कहता हूँ स्पेशल करें आज। यार आज हम डेजर्ट में जाएंगे, वहाँ पे हम डेजर्ट सफारी करेंगे, रेत में चलाएंगे इसको, उसके बाद हम मैदान ब्रिज जाएंगे, वहाँ जाके ड्रिफ्टिंग करेंगे। मैं कहता हूँ कि दुबई में आज ना फुल धूम मचा दे, कोई कोना नहीं पा देना, रश पा देना, रश पा देना, कोई रोक ही नहीं सकता हूँ, समझ आई ना, कोई नहीं रोक सकता। याशी करनी है, बोले याशी। आर यू गाइस रेडी? रेडी सानू कोई रोक ही नहीं सकता हूं, समझ आई ना, कोई नहीं रोक सकता, याशी करनी है, बोले याशी करनी है। अच्छा जी गाइस तो हम घर वापस आ गए और गाइस अब इस तरह हो जाता है, आप क्यों इतना हंस रहे हैं? देखें बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं उधर सी आ रही। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कभी शोखी नहीं मारनी चाहिए, शोखी नहीं मारनी। हाँ, ये हम आपको बेसिकली दिखाना चाह रहे थे, हमें पता था कि ऐसे होना है। हाँ, हमें तो पता, बिल्कुल पता था हमें, लेकिन हमने कहा यार जरा यू नो एक अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। सही बात है। तो ठीक है यार सोते हैं फिर, आज कहाँ जाना है, क्या दिल नहीं कर रहा आज? आज दिल नहीं कर रहा, यू नो वी आर रेस्ट डे भी होना चाहिए। ठीक है हम मिलते हैं आपको सुबह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग भाईजान, मुबारक हो जी, मुबारक हो, हमारी गाड़ी वापस आ गई है गैराज से, चेक करें फिर। मुबारक भाईजान, मुबारक हो जनाब। की मसला की सी? मसला एक सेंसर खराब था, वो चेंज हुआ है। तो यानी ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ ना? नहीं 2000 तक लगे। 2000 दिरहम या रुपीस? 2000 दिरहम, क्योंकि इसका पार्ट बहुत महंगा है। अच्छा, तो वैसे भी ये बड़ी गाड़ी है ना। तो अभी क्या प्लान है यार? अभी मैं कहता हूँ कुछ एडवेंचर करें, कोई कहीं जाएं, कहीं घूमें फिरें। ओके आज चलते हैं हम जबल जैस माउंटेन, ये दुबई की हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे वेदर बिल्कुल चेंज है। नाइस नाइस, और जैसे अभी 50 डिग्री चल रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, तो वहाँ पे समझो 30 होगा। वाह यार कितना कितनी दूर है यहाँ से? 2 घंटे की ड्राइव है बस। यानी जैसे इस्लामाबाद से नथिया गली है। हाँ, ऐसा ही बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, फुल एडवेंचर, फुल मौज मस्ती, फुल मौज मस्ती। लेकिन ज्यादा हमने शोखी नहीं मानी, शोखी नहीं मानी। फिर हमारी बिस्ती ना हो जाए। गाइस ये चेक करें इतनी प्यारी मस्जिद, माशाल्लाह। भाई जी चेक करें, फुल डेजर्ट माहौल बन रहा है भाई, फुल इंता हबीबी माहौल बन रहा है। प्योर डेजर्ट स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे ऊंट है और जानवर आएंगे रोड पे, समटाइम जानवर आ जाते हैं। अच्छा, और कुत्ता आ गया, कुत्ता तो चला रहा है गड्डी, कुत्ता बैठ गया आगे। यहाँ पे स्पीड लिमिट भी काफी कम है, अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि ऊंट आगे आता है, और ऊंट जो है ना वो जब भी आगे से लगता है ना तो ऊंट अंदर आता है।
मतलब उसकी टांगों को हिट होती है और उसका पेट अंदर आता है, जो जो अंदर होता है वो सारे दस जाते हैं फिर अंदर। सोच ऊंट तेरे से बजेगा तो ऊंट तक ही बनेगा, ऊंट फाड़ जाएगा, ऊंट ही फाड़ जाएगा, मैंने कुछ नहीं। आगे जाके डेजर्ट रेड कलर का हो जाएगा, फिर जब लाल हो जाएगा फिर असं केड़ा गाना गावांगे भला। तो अभी हम जनाब पेट्रोल डलवाने आए, क्या रेट है यार इधर पेट्रोल का? यार पेट्रोल यहाँ भी बहुत महंगा हो गया है और 6 दिरहम पर लीटर हो गया। वो, 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 वो। और पहले ये फुल होती थी 250 में। अच्छा। और अब 450 तक फुल होती है। ओए ब्रो ये तो और सिर्फ 3 दिन चलती है ये बस। हाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती है, यानी हालात जो है वो वर्ल्ड वाइड खराब है। जैसे ये 4x4 कार्स हैं, इनकी अब प्राइसेस डाउन जाएंगी, जो पेट्रोल कम खाती है वो महंगी होंगी और जो ज्यादा खाती है वो सस्ती होंगी। मैं कहता हूँ साइकिल ले लेते हैं भाई। ये साइकिल बैठी तो ही है। अच्छा गाइस मुझे एक बात बताएं, जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो जाहिर सी बात है स्कॉटिश है, फिर उसके बाद पंजाबी, फिर उसके बाद उर्दू। ठीक है, उर्दू मैं ज्यादा इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरी ज्यादा प्रैक्टिस हो, तो लेकिन जहाँ मैं अड़ जाता हूँ उर्दू में फिर वहाँ मेरी इंग्लिश शुरू हो जाती है। लेकिन इंग्लिश भी मैं अपनी नॉर्मल वाली नहीं बोल सकता क्योंकि लोग फिर कहते हैं यार क्या फेक ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं। एक व्लॉग मैं ऐसा रखूंगा जिसमें मैं 24 घंटे सिर्फ स्कॉटिश ही बोल रहा हूँ जस्ट फॉर फन, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि स्कॉटिश एक्चुअली है क्या। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि व्लॉगिंग जो है हमारी उर्दू में ज्यादा पसंद की जा रही है या पंजाबी, क्या ख्याल है? मेरी एडवाइस ये है कि पंजाबी उर्दू मिक्स होनी चाहिए ताकि दोनों लैंग्वेज के लोगों को समझ आ जाए कि हम बोल क्या रहे हैं। चले फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या प्रेफर करते हैं। ये जो माउंटेन्स है ना इनके बिल्कुल पीछे ओमान है। अच्छा, यहाँ से ओमान बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता है, बॉर्डर यहीं पे लगता है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ऐसे ऐसे स्पॉट्स दिखाएं जो आपने पहले नहीं देखे दुबई में। लेवल लेवल भाई जी, व्यू चेक करें, व्यू तो गाइज हम फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, अभी आपको व्यूइंग डेक पे जाके सारा व्यू दिखाते हैं। टिकटा ले लिया तू? टिकटा ले लिया। किन्नी दी टिकट? 50 दी। मेरा मियां तो मेनू 5 रुपए भी तक नहीं देंदा। ऐसी तेरा इश्क है ना, मियां थोड़ी है। लेकिन तू कल्ला नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा आशिक ने। कोई गल नहीं, सारे आशिकां नु असि लाइन च रख के ना थल्ले दे देना गड्डी ते। ना इंज ना करी, फिर मेरा इजी लोड कौन कराऊगा? मैं करा के देवांगा तेनू। ठीक ना ब्याह ही करा दे मेरा। मैं शेख हां तेरे से, मैं ही शेख हां। हैं लगदा ता नहीं तू? नहीं वो चोला जत तू पाए नहीं, वो ते बाद च पावांगे ना। और की पावेंगा? गल किथे दी किथे चले जांदी है। ओए भाई जी व्यू चेक करें, व्यू कमाल भाई जी कमाल। माहौल चेक करें फिर गाइस। हाय 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 हाय। ओए उस्ताद है की है अखा पावे चखा। इधर मजे की बात यह है कि थोड़ी थोड़ी ना ठंडी हवा चल रही है। ले नाजरीन बिलाल को पोटी आ गई, तब ये बाथरूम जाने वाले। जा 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 जा। क्या हाल है भाई? ठीक है, आप सुनाए? वालेकुम सलाम, क्या हाल है ब्रो? ठीक है, बताएं। ठीक हो? कहाँ किस शहर से हो? कराची। कराची, अच्छा। व्लॉग देख रहे हैं आपके, वो नसरीन्स देख रहे हैं। नसरीन्स? नसरीन कितनी नसरीन देख रहे थे? गाइस देख लें, पहाड़ों तक आपका प्यार आ रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आके फैंस मिलते हैं, दिल को खुशी होती है। खुशी टाइम ले सकता हूं 2 मिनट? जी 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 बताए। ये बहुत बड़े भाई घर पे यही लगा के बैठे। अच्छा किन्ना सोना हाथ है। ये छोटा है जी? ये छोटी है। छोटी है, ओके। हेलो इल्मा, क्या हाल है? आजा हुण। किन्नी वो आ रही उस्ताद, आधे ब्रेस्ट बजे ही अंदर। ओए होए होए, पैपू ब्लॉक करते हो ना? पैप ब्लॉक करते, पानी भी नहीं छूट गया। ओए होए होए उस्ताद, वो क्यों कल्ला बैठा है? ओदी ओदी मशूक रुस गई लगदा। नहीं वो टैक्सी दा इंतजार कर रहे हैं। तेरा इंतजार कर रहे हैं? गाइस ये है इनका रोलर कोस्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया।
हम लेट हो गए। चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे और वो भी बच्चों के साथ। भाई दुबई वापस पहुंच गए हैं, शुक्र है भाई। क्या खिला रहा है आज? आज हम चाइनीज चावल खाएंगे। कोई सब सुप तो नहीं खिलान के मनु? नहीं ऐसे नहीं होते सब सुप। चाइनीज पीपल यू नो दे लव टू ईट सब सुप एंड डूज एंड एवरीथिंग। बंदर भी खाते हैं ये। तू फिर बच के रहे ना। ले जी हम पहुंच गए चाइना पार्क और बिलाल भाई कह रहे हैं कि इधर का खाना बड़ा जबरदस्त है। डाइस चिकन बहुत फेमस है। अच्छा चलें जी चेक करते हैं अंदर क्या माहौल है। जगह तो बड़ी कोजी सी है और माहौल अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी खाना कैसा है। ये के बाद ही जगह कोजी से माहौल है। कोजी कोजी नहीं। अच्छा मैं ले जनाब खाना आ गया है। राहिम इस टाइम वॉशरूम में गया है तो ये हमारा डाइस चिकन आ गया है। खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं खाएं 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 बहुत भूख लग रही बहुत ज़्यादा यार। वेरी नाइस गाइस। ये देखें ग्लासेस स्टीम अप हो गए हैं गर्मी से, इतनी गर्मी है यहाँ पे। ऊपर से हमने खा लिया गरम गरम चाइनीज। भाई बहुत मज़ा आया और मज़े की बात यह है कि सस्ता भी बहुत था। हम दोनों ने 57 दिरहम्स में सारा कुछ। तो भाई ये जगह मैं वेल रेकमेंड करूंगा। ले जी पहाड़ों पे भी चले गए, खाना शाना भी खा लिया है, अब क्या करें यार। यार लेट्स गो फॉर मूवी। मूवी नाइट। यस yes. yeah. लेकिन कौन सी मूवी देखेंगे? मूवी देखते हैं अभी एक बॉलीवुड की नई मूवी आई है। कौन सी? आई थिंक जुग जुग जियो। ओ जुग जुग जियो, जिसमें उन्होंने वो बरारुल हक का गाना भी चुराया। हाँ। ऐसे बड़ी देर हो गई मैं सिनेमा में नहीं गया, अब दुबई आए तो वो भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ले जी सिनेमा पहुंच गए हम और खाली खाली है सिनेमा। लो जी टिकट ले लिए। तनील कपूर का भी मुंह निकल आया बाहर। मुंह तो बंद करो अंकल। थैंक यू। हाँ खुले ला लिए। खुले तो बगैर तो पता फिर फिल्म खुले चीज फुले है ते नोवो मिक्स फुले है ते कैरमल फुले है मिक्स फुले नमकीन ते स्वीट। पूरा सिनेमा हमने बुक किया है ठीक है। ये लेवल है हमारा दुबई में। फुले ते छड़ दे। ओए रात में इत्थे आ जा करिए। की करन? ओए तने पता ही। जनता माफ नहीं करेगी। देख पीछे भी खाली आगे भी खाली। चीखा मारो। वैसे सही दसा बॉलीवुड फारिग हो गया। अब जो हमने मूवी बनानी है ना नेक्स्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल की होनी है। उसकी हमने यूएसए में जाके शूटिंग करनी है। यू विल बी द हीरो सर। थैंक यू। आई विल बी द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। बस फिर बन गई फिल्म। यार सीरियस हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी सीरियस। हां जी सो नेक्स्ट मूवी वी विल मेक इन यूएसए। ओके एंड द बजट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड व्हिच इज 3 करोड़। सो करोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द बजट इज 3 करोड़। 3 बिलियन कह दे रहे। 3 मिलियन। 3 बिलियन दोबारा से करो। सो आवर मूवी सो आवर नेक्स्ट मूवी बजट इज 3 बिलियन एंड आई ऑलरेडी वर्क आउट ऑन द स्केड्यूल्स एंड माई मीटिंग्स विद माई क्लाइंट्स। सो आई विल पोस्टपोन माई मीटिंग्स विद देम। सो द नेक्स्ट मूवी विल बी लॉन्च वेरी सून। सो एंड वेयर इज योर कास्टिंग काउच? दैट इज कमिंग। वेरी बिग काउच फ्लेक्सीबल। आई नॉट पार्ट ऑफ दिस मूवी। करण जौहर ये तेरी मूवी चंगी ना हो लत्तर पैनी तेन। अब रारुल हक तो वखरे पैने तेन। मेरे को वखरे पैने तू। लो जी मूवी शुरू होने लगी है। आवाज होली कौन जी नाजरीन। तो अभी हुआ है इंटरवल यानी कि हाफ टाइम मूवी का और सो फार बड़ी अच्छी मूवी है। फिर आपको एंड पे फुल रिव्यू देते हैं। ये देखिए गाइस पागल हो गया ये। ले जी हम मूवी थिएटर से बाहर निकल आए हैं। बहुत जबरदस्त इमोशनल भी थी फनी भी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी। हाँ। मैंने बल्कि बॉलीवुड फिल्म्स देखना ही काफी अरसा हो गया छोड़ दी थी। और वैसे जो स्टोरी है वो हम दोनों में सूट करती है। मैरिड कपल्स से रिलेटेड है। लेकिन तू तो शादीशुदा है। मैं तो अनमैरिड हूं। तो फिर तेरे से कैसे रिलेट होगी? नहीं मेरा मतलब है कोई चक्कर है साथ फड़िया गया तू सही पकड़े हैं। प्यार को यही लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं उसके लिए।
यार यही तो मसला है। एडवाइस देंगे? यार मैं एडवाइस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। देखो अगर आप अपनी एफर्ट करते हो, पूरे दिलो जान से अपना सारा कुछ देते हो रिलेशनशिप, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी हैं ना कि आप जो मर्जी कर लो वो कहती हैं आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, दूसरी तरफ से उतनी एफर्ट नहीं हो रही तो फिर रिलेशन जो है ना वो रुकता है। ये देख ले ये मॉल अभी खाली, सोने का टाइम हो गया, हम सोते हैं जाके। चलें जी, चलें लेट्स गो। अरे गाइस तो हम घर वापस आ चुके हैं और आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले अ वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन, टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स और जो लोग लाइक और कमेंट करते हैं वीडियोस पे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, इस वीडियो पे भी लाइक और कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।